पर कोई भी स्कूल जाने के लिए दिक्कत आती है और कोई भी मृत्यु होती है तो यहाँ इस पानी में होके लेके जाना पड़ता है और बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ पर थोड़ा बन जाए तो पुल, तो हम यहाँ पर समस्या का समाधान हो तो हम यहाँ पर जाने के लिए सही रहेगा। और यहाँ पर पानी होता तो हम 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता वहाँ दूर होके। यहाँ पर कितने सालों से समस्या आई है आपके? बीस साल से ज़्यादा हो गया बोल रहे तो हमारे जन्म से नहीं। मैं भी यहाँ पर स्कूल जाता था तो भी पानी आता है तो उधर होके जाना पड़ता, बहुत समस्या आती है। बहुत भी होते जाते हैं हमारे ये पानी में होके ले जाते हैं तो मतलब बहुत तकलीफ पड़ती है। सर यहाँ नदी में लाश खड़ी करके लेके संतन घाट पहुँचा रही साहब है। स्कूल में सो रहा कि कौन पहन जाए नाड़ू है तो वे तो सोरा मत बन जाए आप ही जाओ पूरा ना लाश की कौन ले जा साहब पानी में घाबरी में फूट मर जाए तो आदमी की कौन ले जाए साहब इतने मेरे मन राखन मरन थे नाड़ू बनावे दियो। मैं आज ही अपने एरिया में गया था, जिला परिषद एरिया में आज गया था तो आज ही मुझे मालूम पड़ा है कि मतलब बीच में जो नदी आने की वजह से शमशान दूसरी तरफ है, गांव दूसरी तरफ बसा हुआ है, इसे डेड बॉडी को ले जाने में बहुत तकलीफ आती है। तो इसको मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाते हैं, उसको पुलिया बनाने की व्यवस्था करवाते हैं।